कल से महाराष्ट्र में भी अनलॉक की शुरुआत हो रही है। मुंबई में अनलॉक के लिए किस तरह की गाइडलाइन है, क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता ज्योत्सना गंग ने की रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है, साथ ही साथ मौत के आंकड़े में भी काफ़ी कमी पाई जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने अपने काम पे जा रहे हैं। हालांकि आज रविवार का दिन है, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी भी जो नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं उसमें बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये जो नियम है कोरोना को लेकर, उसका पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि महाराष्ट्र जो है वो सोमवार से अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाएगा। पिछले 24 घंटे में अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 13,659 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 300 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 866 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 29 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से हुई है। पूरे महाराष्ट्र का रिकवरी रेट जो है कोरोना का वो 95% है, जबकि डेथ रेट जो है वो 1.71% है। हम आपको बता दें कि सोमवार से जो अनलॉक की तरफ महाराष्ट्र बढ़ेगा, लेकिन पूरा महाराष्ट्र में 5 लेवल में जो है वो अनलॉक बताया गया है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, पुणे, थाने और अकोला जैसे बड़े शहर जो है वो लेवल 3 में रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर नियम जो है वो थोड़े सख्त रहेंगे। हालाँकि कई सारे नियम जो है वो राज्य सरकार की तरफ से थोड़ी ढिलाई दी गई है राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को, लेकिन हम आपको बता दें कि ये भी चेतावनी दी है कि जो कोरोना के लिए जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उसका पालन अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये नियम और भी कड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट को लेकर और मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल को लेकर अभी भी कोई बड़े फैसले जो है वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं लिए गए हैं, इसके लिए सड़कों पर भीड़ अभी भी कायम है। विजयनेश सिद्देश के साथ ज्योत्सना गंग ने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।